जय जनेंद्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। तप सूर्या रत्न ज्योति, तप ज्योति तपोमणि, प्रवचन प्रभाविका श्री मनीषा जी महाराज, सिद्धांताचार्य और पूज्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज, ठाणे दो, श्री ज्ञान मुनि जैन ट्रस्ट, श्री शालिग्राम जैन भवन नजदीक विजेंद्र नगर डाबा रोड लुधियाना में विराजमान है। आज साध्वी जी ने अपने चातुर्मास के आगामी दिनों के कार्यक्रमों के बारे जानकारी दी। आत्मकुल कमल दिवाकर भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रत्न मुनि जी महाराज की अंतेवासी सुशिष्या संथारा साधिका आगम ज्ञाता पूज्य श्री गुरुनी मैया श्री अलका जी महाराज साहेब सिद्धांताचार्य की सेवा भावी सुशिष्या तप सूर्या रत्न ज्योति तप ज्योति तपोमणि प्रवचन प्रभाविका श्री मनीषा जी महाराज सिद्धांताचार्य और पूज्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज ठाणे दो 5 नवंबर को यहाँ से विहार करके लुधियाना के नीम वाला चौक स्थित भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रत्न मुनि जी महाराज और संथारा साधिका आगम ज्ञाता पूज्य श्री गुरुनी मैया श्री अलका जी महाराज के समाधि स्थल पहुँचेंगे, जहाँ 10 जनवरी 2018 को अलका जी महाराज का 52वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आने वाली 4 तारीख दिन शनिवार को यहाँ पर 11 घंटे का जाप कराया जा रहा है इसी शालिग्राम जैन भवन में। तो जाप का समय सुबह 6 बजे यहाँ पर 5 परमेश्वरी महामंत्र नमकार से जाप शुरू हो जाएगा। शाम को 5 बजे यहाँ पर जाप की समाप्ति होगी। वो जाप का लाभ जिन्होंने पहले जिस दिन चतुर्मास 8 जुलाई को बैठा था उन्होंने लाभ लिया था, समाप्ति का लाभ भी वो 12 घंटे का वही लाभ ले रहे हैं। उनका परिवार अमन जैन वो यहाँ पर आपके फ्लैट में रहते थे, अब वो गुरुदेव नगर की साइड चले गए हैं, तो उनके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जाप का 12 घंटे 11 घंटे के जाप का लाभ लिया। 5 तारीख को यहाँ पर सुबह जो प्रार्थना 6 बजे होती है वो प्रार्थना सुबह 6 बजे नहीं होगी, वो प्रार्थना हम यहाँ पर 8:15 से 9:15 के बीच में करेंगे। तो सभी ने अधिक से अधिक प्रार्थना में पहुँचना है। चलो सारे 4 महीने में प्रार्थना का लाभ जिन्होंने नहीं लिया कम से कम उस दिन तो प्रार्थना जो भगवान आदिनाथ की स्तुति है उसका लाभ लेना है। साथ में जिन बच्चों ने यहाँ पर हमारे आराध्य ग्रामोद्धारक विख्यान वाचस्पति पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी महाराज की 91वीं जन्म जयंती और हमारे आदर्श गुरुनी जी महाराज की जन्म जयंती, स्वयं हमारी भवंजमी दीक्षा जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जिन बच्चों ने उसमें संस्कृत कार्यक्रम में भाग लिया था उन बच्चों को ट्रस्ट ने अपनी ओर से सम्मानित करना है। तो वह बच्चों से अनुरोध है कि जिन बच्चों ने भाग लिया है वह बच्चे भी उस दिन प्रवचन में 8:15 से 9:15 के बीच में पहुंच जाए। साथ में जिन बहनों ने 13 दिन उत्तराध्यान दिवाली के दिनों में सुना था उनको भी वो सम्मानित करेंगे। और उस दिन हमारा 5 तारीख प्रवचन के बाद 9:15 बजे यहाँ से ठीक बिहार होगा। बिहार की जो रूट है वो यहाँ से ढाबा रोड, ढाबा रोड से कैंसर हॉस्पिटल, चिम्मा चौक, CMC चौक होते हुए सिंगलाश्वाला मंदिर, सिंगलाश्वाला के मंदिर आगे नीमबाड़ा चौक जहाँ हमारे आराध्य भोले बाबा पूज्य श्री गुरुदेव रत्न मुनि जी महाराज ने स्थानक बनाया है सन्मति आतन निकेतन, वहाँ पर हमारे अलका जी महाराज विराजमान होते थे। तो उनके विराजमान के देवलोकगमन के बाद हम वहीं पर विराजमान होते हैं। वहाँ पर हमारे आराध्य भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की समाधि स्थल और हमारे आराध्य संथारा साधिका आगम ज्ञाता पूज्य गुरुनिया श्री अलका जी महाराज का समाधि स्थल भी बना हुआ है। तो वहीं पर नीम वाले चौक में दीवान मनसाराम गली में हम वहां पर पहुंचेंगे। इसी के साथ आने वाली 10 जनवरी 2018 दिन बुधवार हमारे आराध्य संथारा साधिका आगमों के ज्ञाता माँ मादनी गुरुनिमिया श्री अलका जी महाराज का 52वां जन्म दिवस हम बड़ी धूमधाम से वहाँ पर मनाएंगे। तो जिन बहनों ने वो हमने एक पेपर निकाला था रतन क्रांति अलका मनीषा की उड़ती तरंगे भजनों की आधार और भक्तांबर स्त्रोत्र पर एक प्रतियोगिता निकाली हुई थी उसका रिजल्ट भी हम उसी दिन 10 जनवरी को निकालेंगे। वो प्रोग्राम का समय
हम 10 से 12 बजे का रखा हुआ है। तो सभी बहन भाइयों से अनुरोध है कि जैन कॉलोनी वालों से कि अधिक से अधिक अपने आस पड़ोस वालों को लेकर हमारे गुरुदेव के झुन्नी जी महाराज की जन्म जयंती पर अधिक से अधिक रौनक लगानी है। हरि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारिलगुतमा, अरिहंतालगुतमा, सिद्धालगुतमा, साहुलगुतमा, केवली पुनतो धम्मोलगुतमा, चतारी शरण पावज्यामि, अरिहंते शरणम पावज्यामि, सिद्धे शरणम पावज्यामि, साहु शरणम पावज्यामि, केवली पुनतो धम्मम शरणम पावज्यामि। ये चार शरण दुख हरन जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पदे होगा उसका सदा मंगल होगा उसका सदा मंगल होगा। ते कत नमः स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवा स्वामी मतेवं ते कत आयाहिनं करे मी वंदामि। नमः स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवा स्वामी मते कत आयाहिनं क्याहिनं करेमि वंदामि। नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवा स्वामी। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। आप सभी को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि स्वर्ण कुल चंद्रिका मधुर भाषणी महासाध्वी श्री सूती जी महाराज आदि ठाणे तीन का आगामी 2018 का चातुर्मास श्री संघ कुरुक्षेत्र को प्राप्त हुआ है। अभी महासाध्वी जी चातुर्मास हेतु पंचकुला में विराजमान है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप योगी लौह पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज उनके शिष्य परम सुख मुनि जी महाराज लुधियाना के जैन स्थानक जैन कॉलोनी से विहार करके जैन स्थानक जनता नगर में विराजमान है, जहां उनका बाकी का चातुर्मास का समय बीत रहा है। तप योगी लौह पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज और उनके शिष्य बाल ब्रह्मचारी परम सुख मुनि जी महाराज का 2017 का चातुर्मास मंगलमय बारी त्याग तपस्या भगत कर्ण के भारी सलाब के साथ गतिमान है। हर एक कोई अमृतवाणी सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। लुधियाना के जैन स्थानक जैन कॉलोनी से विहार करके जैन स्थानक जनता नगर में विराजमान है, जहां उनका बाकी का चातुर्मास का समय बीतेगा। इस अवसर पर जैन भक्त भाई बहनों ने महाराज के दर्शनों एवं मंगल पाठ का लाभ लिया। 3 तारीख को यहाँ पर इसी जैन स्थानक में जनता नगर वालों की तरफ से 24 घंटे का महामंत्र का जाप है। दिन में माताएं बहनें जाप करेंगी, रात्रि को भाई लोग जाप करेंगे। 24 घंटे का जाप रहेगा। 4 तारीख को यहां से विहार करके हम 7 बजे यहां से विहार करेंगे। 8 बजे विजेंद्र नगर जैन कॉलोनी में पहुंचेंगे, ढाबा रोड, वहां पर आराधना भवन में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रवचन चलेगा। और वहाँ पर उस दिन दया दिवस भी रखा है। दया दिवस का मतलब होता है एक दिन का साधु जीवन पालन करना, जिसमें बहुत सारे भाई बहनों ने अपना नाम लिखवाया, वो दया करेंगे। और जिस तरीके से साधु गोचरी लाते हैं, पानी लाते हैं, उसी तरीके से भाई बहन भी गोचरी पानी ला करके उस दिन साधु जीवन एक दिन के लिए जिएंगे। सभी भाई बहन वो करेंगे। उसके अगले दिन हम वहाँ से विहार करके मोती नगर पहुँचेंगे। मोती नगर मेन रोड के बिल्कुल बराबर में पार्क है। पार्क के बराबर में भुवनेश महाजन है, उनके यहाँ पर प्रवचन रहेगा रविवार का। ये कार्यक्रम है। आगामी कार्यक्रम जो है जलंधर की ओर जाने का हमारा भाव है।
जैसा भी होगा आप सबको सूचित करते रहेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम, अरिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम, चित्तारी लोगोतमा, अरिंता लोगोतमा, सिद्धा लोगोतमा, साहू लोगोतमा, केवली पनत्तो धमो लोगोतमा, चितारे सन भोजाम, अरियंत सन भोजाम, सिद्ध सन भोजाम, साहु सन भोजाम, केवली पनत्तो धमो सन भोजाम, अरियंतों का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधुओं का सन्ना, दया धर्म का सन्ने, चार सन्ने और न सन्ना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होए। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। करुणा पुरुष श्री राकेश मुनि महाराज जी, प्रवचन भास्कर श्री अजित मुनि जी महाराज जी, ठाणे चार रेलवे स्टेशन के पास वाले जैन स्थानक गोल्ड मंडी सोनीपत में शेष चातुर्मास संपन्न करेंगे। सभी भाई बहन दर्शन और प्रवचन का लाभ लें। श्री महावीर मंदिर सभा अमरपुरा लुधियाना की ओर से 14वां श्री तुलसी माता जी एवं श्री सालिग्राम जी विवाह उत्सव का आयोजन पूरी रीति रिवाजों के साथ पारंपरिक ढंग से किया जा रहा है। बीती शाम महिला संकीर्तन मंडल की ओर से मेहंदी की रस्म का आयोजन किया गया, जिसमें तुलसी माता को मेहंदी लगाई गई। लुधियाना के अमरपुरा में स्थित श्री महावीर मंदिर सभा में 14वां श्री तुलसी माता जी एवं श्री सालिग्राम जी विवाह उत्सव का आयोजन पूरे रीति रिवाजों के साथ पारंपरिक ढंग से किया जा रहा है, जिसके चलते बीती शाम महिला संकीर्तन मंडल की ओर से मेहंदी की रस्म का आयोजन किया गया, जिसमें तुलसी माता को मेहंदी लगाई गई। इस अवसर पर सभा सदस्यों और इलाका निवासियों ने इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। श्री महावीर मंदिर सभा प्रधान ने बताया कि 1 नवंबर शाम को श्री सालिग्राम जी की बारात बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी, जो इलाके की गलियों बाजारों से होते हुए मंदिर पहुंचेगी, जहां विवाह संपन्न किया जाएगा। श्री महावीर मंदिर सभा रजिस्टर्ड अमरपुरा की ओर से 14वां विशाल श्री तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज मेहंदी की रस्म जो वो कि महावीर मंदिर में शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे महिला संकीर्तन मंडल की ओर से तुलसी माता को मेहंदी लगाई गई। कल 1 नवंबर को बुधवार को महावीर मंदिर सभा की ओर से तुलसी शालिग्राम भगवान का जो विवाह उत्सव है उसमें ठीक 5:30 बजे शालिग्राम भगवान की शेराबंदी होगी और उसके बाद में भव्य रथ यात्रा के रूप में बैंड बाजे के द्वारा शालिग्राम भगवान की बारात प्रस्थान करेगी और नगर परिक्रमा करके मंदिर में आकर के तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कि पूरी भारत भूषण जौहर जी जो उनकी पूरी टीम है वो बड़ी लगन के साथ इस महोत्सव को मना रही है। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। कवि रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुनील मुनि जी ठाणे 3 से चातुर्मास के बाद 4 नवंबर 2017 को विहार कर घासो गांव में पहुंचने का भाव रखते हैं। 5 नवंबर 2017 का प्रवचन घासो में सुबह 10 बजे होगा। उसके बाद घासो से विहार करके गुरुदेव उचाना जाने का भाव रखते हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। शिव ब्रिक्स, बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान तहसील जगराव, नंबर 9872503117, 9872636526। गुण स्थानक जिसकी सीढ़ियां चढ़ते 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 गुणों को प्राप्त करते करते मानव मोक्ष तक की प्राप्ति करता है, वो उसकी स्टेजेस हैं गुणों की। इन गुण स्थानक ये कितने होते हैं, कितनी सीढ़ियां हैं ये? 9, 14, 12 या 8? अगर कोई दुविधा हो, ऑडियंस बोल। आपका समय शुरू होता है अब। B14। तो B14 इसको लॉक किया जाए? जी हाँ। ओके, B14 को कंप्यूटर भाई साहब लॉक करें। और ये बिल्कुल सही जवाब। Thank you.
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब, युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहेब, श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणा 10 का आगामी सन 2018 का चातुर्मास द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आगार रखते हुए सूखे समाधि भक्ति त्याग बलिदान महाराणा प्रताप की वीर भूमि उदयपुर श्री संघ को प्रदान किया गया। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में लुधियाना के गुरुद्वारा श्री खूही सर साहेब रंजीत नगर से एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस विशाल नगर कीर्तन में हजारों स्कूली बच्चों सहित इलाका निवासियों ने भाग लिया। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में लुधियाना के गुरुद्वारा श्री खूही सर साहेब रंजीत नगर से एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस विशाल नगर कीर्तन में हजारों स्कूली बच्चों सहित इलाका निवासियों ने भाग लिया। यह नगर कीर्तन बैंड बाजे और ढोल के साथ गुरुद्वारा श्री खूही सर साहेब रंजीत नगर से आरंभ होकर गली बाजारों से होता हुआ शाम को गुरुद्वारा श्री खूही सर साहेब में आकर संपन्न हुआ। इस नगर कीर्तन की अगुवाई पांच सिंह साहिबान ने की। नन्हे बच्चे भी सिखों की पारंपरिक धार्मिक वेशभूषा में सजे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। नगर कीर्तन में शामिल पंजाबी मार्शल आर्ट गतका की टीम सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। नगर कीर्तन के रास्ते में भक्त जनों के लिए खाने पीने के ढेरों स्टॉल लगाए गए थे। ਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਪਰਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹੀ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗੀ।
लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। आप सभी को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि सरल आत्मा महासाध्वी पूज्य गुरु ने श्री प्रतिभा जी महाराज, महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज आदि थाने तीन का आगामी चतुर्मास 2018 श्री संघ बनूट को प्राप्त हुआ है। अभी महासाध्वी चातुर्मास 2017 हेतु सुल्तानपुर लोधी में विराजमान है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्कूल तो आपने बहुत देखे होंगे, सरकारी भी और प्राइवेट भी, पर हम आपको आज एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रहे हैं जो बाकियों से जरा अलग है। यह स्कूल है लुधियाना के लोहार पुल के नजदीक बेगोआना में, जहां एक NRI द्वारा गरीब परिवारों से संबंधित बच्चों को आज के युग की कॉन्वेंट स्कूल लेवल की मुफ्त शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के मकसद से गुरु नानक देव जी इंस्टीट्यूट ऑफ सुजज्जी फाउंडेशन नामक स्कूल चलाया जा रहा है। 2012 में शुरू किए गए 5वीं कक्षा तक के इस स्कूल में 250 गरीब परिवारों से संबंधित बच्चे मुफ्त शिक्षा हासिल कर रहे हैं। अपने से नीचे वर्ग की मदद करने से अच्छा पुण्य का कोई काम नहीं, पर इन गरीब परिवारों की कुछ आर्थिक या अन्य मदद करने की जगह उनके बच्चों को शिक्षित करने ताकि वह आगे चलकर समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर सके, इस मकसद से पंजाब के एक NRI द्वारा लोहार पुल के नजदीक बेगोआना में गरीब परिवारों से संबंधित बच्चों को आज के युग की कॉन्वेंट लेवल की मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु नानक देव जी इंस्टीट्यूट ऑफ सुसच्ची फाउंडेशन नामक स्कूल चलाया जा रहा है। यह विशेष स्कूल 2012 में शुरू किया गया था, जिसमें 5वीं कक्षा तक के स्कूल में 250 गरीब परिवारों से संबंधित बच्चे मुफ्त शिक्षा हासिल कर रहे हैं। बच्चे AC युक्त स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास और म्यूजिक क्लास सहित अन्य कई स्कूली गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। ये स्कूल भी जसविंदर सिंह जी खालसा यूके वाले की प्रेरणा चलाया जा रहा है। ये स्कूल का मेन मोटिव यह सीगा कि जेडे गरीब परिवार के बच्चे बच्चियाँ जेडे पढ़ाई नहीं कर सकते, जेडे माँ प्यो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उन्होंने बच्चों एक कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, जिथे बच्चे दुनियावी पढ़ाई सीखन नाल दी नाल अपना जीवन ढाल चंगे तरीके चलाने वास्ते गुरबाणी के गुरु की मत भी नाल लैन। इस स्कूल के विचकार जिथे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, नाल ही स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासरूम, AC क्लासरूम, तो नाल ही बच्चों 33 साल की विद्या भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जिदे नाल बच्चों जेडे कि साढ़े स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से जेडे कि बच्चे अजकल दे समाज दे विचकार नहीं वरते जाते, वह बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं इतने। तो ये स्कूल इस वेले 5वीं क्लास तक चल रहा है। तो यह स्कूल शुरुआत 50 बच्चों नाल हुई सी, तो अज इस वे 250 बच्चे इस स्कूल दे विच पढ़ रहे हैं, अपनी एजुकेशन लै रहे हैं। गुरु नानक देव जी इंस्टीट्यूट ऑफ सुचज्जी फाउंडेशन जो कि लुधियाने शहर के बेगोआने के चल रहा है, ये स्कूल 2012 सरदार जसविंदर सिंह खालसा वालों जो कि यूके दे रहने वाले हैं, इस सोच नाल शुरू किया गया कि किस तरह गरीब और लोड़वंद बच्चों की मदद की जाए, क्योंकि अगर असी किसी गरीब की मदद करने की सोचते हैं तो सब तो पहला साडे मन में आता कि उन्हें उसनों रोटी कपड़ा दिता जाए, पर अगर असी 10 साल भी उसकी रोटी कपड़े नाल मदद कर दीए तो भी वह उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। सो सब तो वधिया चीज़ जो लगी कि अगर वह असी बच्चों दे दिए, उन्हें गरीबा तक पहुँचा दिए तो वह कदे भी किसी अगे हाथ नहीं अड़नगे, वो सी एजुकेशन। सो उस सोच के नाल सरदार जसविंदर सिंह जी ने इस स्कूल की आरंभता की जो कि केवल 50 बच्चों नाल की गई, और इसका जो नाम रख्या गया गुरु नानक देव जी इंस्टीट्यूट ऑफ सुचज्जी फाउंडेशन। गुरु नानक देव जी दे उन्हां दे दर्शाए हुए मार्ग से चलन दे लई बच्चों प्रेरित करना ताकि एक चंगे समाज की सिरजना की जा सके, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलिया गया जिदे विच एक फाउंडेशन तैयार की गई। उस फाउंडेशन दे विच सुचज्जी, सुचज्जी एक गुरबाणी का वर्ड है जिदा मतलब है चंगे विचार अते चंगे गुणा वाली। सो इत्थे इदां दे बच्चे तैयार किए जान जो कि साडे समाज नूं सुधार सकन। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। श्री बालाजी महाराज की अध्यक्षता में श्री खाटू श्याम जी और श्री सालासर बालाजी की यात्रा के लिए 12 नवंबर 2017 को श्री राम भगत बालाजी सेवा संघ लुधियाना द्वारा एक बस ले जाई जा रही है। जाने के इच्छुक भक्तजन जाने के लिए संपर्क करें 9814011188, 9646029119। 17 दिसंबर 2017 को आयोजित होने वाली उत्तरी भारत की सबसे विशाल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी द्वारा बीती शाम एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में जहां
कमेटी पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई, वहीं यात्रा मार्ग पर लगने वाले स्टॉल्स के टोकन भी निकाले गए। 17 दिसंबर 2017 को आयोजित होने वाली उत्तरी भारत की सबसे विशाल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी द्वारा बीती शाम एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की शुरुआत ज्योति प्रज्वलित कर और नारियल फोड़कर की गई। इस मीटिंग में जहां कमेटी पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई, वहीं यात्रा मार्ग पर लगने वाले स्टॉल्स के टोकन भी निकाले गए। हजारों ग्रंथ, हजारों संत, जिन भगवान का गुणगान करते थकते नहीं, ऋषि मुनि तपस्या करते थकते नहीं, और यज्ञ और दूसरे दूसरे उपायों से जिन भगवान को पाने का प्रयास करते हैं लोग, वही भगवान अपनी कृपा लुटाने के लिए हम सब के बीच अपने रथ पर सवार होकर आएंगे 17 दिसंबर दिन रविवार को। ये एक उत्सव ही नहीं, ये एक ऐसा दिवस होता है जब हम भगवान जगन्नाथ से उनकी कृपा लूट सकते हैं। आनंद, प्रसाद, ये चीज़ें तो मिलेंगी ही, लेकिन नाच कर गा कर हम भगवान को प्रसन्न करके अपना जीवन बदल सकेंगे, अपना भाग्य बदल सकेंगे। इस बार भूलिएगा नहीं, 17 दिसंबर, जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी की एक विशाल मीटिंग महाराजा रेजेंसी होटल में रखी गई है। मैं न्यू यंग फाइव स्टार क्लब माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल, भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा संघ और अपनी 11 संस्थाओं की तरफ से आज यहाँ इस मंच से ये घोषणा करते हैं कि एक विशाल मंच लड़कियों के खालसा कॉलेज के सामने लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर 56 भोग का इंतज़ाम इस बार हमारे क्लब की तरफ से किया जा रहा है। मैं तमाम लुधियाना ही नहीं पूरे पंजाब निवासियों से ये बेनती करता हूँ कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी यात्रा हो चुकी है। मैं सभी को ये हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि आप इस यात्रा को 17 दिसंबर को इस यात्रा में भाग लेकर अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद दें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। अरिहंत परमात्मा श्री समिंदर स्वामी जी महाराज जी की कृपा, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज के आशीर्वाद एवं विराजत श्री प्रकाश मुनि जी महाराज आदि ठाणा 9 की अनुमति से प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, भक्ति एवं आत्म ध्यान साधना पोषक शिविर के रूप में 3 नवम्बर सुबह 7 बजे से शुरू होकर 4 नवम्बर सुबह पहर तक जैन स्थानक सिविल लाइन में कुसुम जी बड़ी माँ को करवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र।